तो भाई ये हॉस्टल है मेरा और मैं सुबह 7:15 बज रहे हैं ऐसे ही आ गया मैं उठ के नीचे। बिल्कुल मेन सड़क पे हॉस्टल है अपना और यहाँ ट्रैम चल रही है, मस्त डेकोरेशंस। ये है क्रोएशिया का फ्लैग और मैंने सोचा बस ऐसे ही थोड़ा नींद भी खुल जाएगी और थोड़ा मतलब यूरोप का यही फ़ायदा है भाई, आपको मन करता है कि हाँ निकलो आप अपने कमरे से और मस्त सा व्यू। ये अपना हॉस्टल है, लग नहीं रहा हॉस्टल है, लग रहा बार बार हो, पर हाँ नीचे मतलब बैठने बैठने का है, खाने पीने डाइनिंग रेस्टोरेंट टाइप, और ऊपर हॉस्टल है। तो कितनी टाइम चल रही है भाई, मतलब मैं भी यहाँ पे 2-4 मिनट हुए होंगे खड़े हुए और मस्त माहौल है यार। एक और ट्रैम आ गई, देखो आप ये मेरे पीछे देख रहे हो मेरा हॉस्टल, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा है, खाने वाने बार बार, ऊपर रेस्टोरेंट है। और मैं निकल चुका हूँ बाहर के लिए, पर अभी वापस मेरे को आना है क्योंकि वो इनके हॉस्टल में होता है ना भाई, लॉकर होते हैं, पर कई हॉस्टल ताले दे देते हैं अपने, कई कहते हैं कि भाई अपने खुद के लेके आओ, या फिर कई लोग रेंट करते हैं कई हॉस्टल। ओ भाई यार मस्त लग रहा है यार, ये तो यार मज़ा ही आ गया। तो मैंने कहा भाई देते हो गया आप लोग रेंट या फिर ख़रीदने के लिए, तो कहते हैं नहीं हम तो नहीं देते, पर आप हॉस्टल से ऐसे जाओगे टी पॉइंट पे एक दुकान मिलेगी डिपार्टमेंट स्टोर, ओ भाई कितना मस्त लग रहा है यार, सब दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ से आप ताला ख़रीद सकते हो। तो चलो पूरी ट्रिप पे मेरे को यूज़ करना ही था, अच्छा हुआ ख़रीदने को ही मिल गया। तो हम चलते हैं एक बार, वो पहले ताला ख़रीद के अपने लॉकर पे लॉक करके सब कुछ, क्योंकि भाई फालतू मेरे सिक्योर लेता है, कहते हैं यूरोप में चोरी वोरी नहीं होती, मतलब रेपुटेशन अच्छी है यूरोप की, पर यहाँ पे हो जाती है चोरी। तो हम चलते हैं ताला ख़रीदते पहले। तो ये है भाई इनका मेन स्क्वायर और यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट स्टोर बताया था यार। अब देखो वो जो है ना तिस्तक, वहाँ से आप ख़रीद सकते हो ट्रैम की टिकट्स, मतलब मैंने ऑनलाइन पढ़ा है अभी, तो इन ट्रैम्स वगैरह की टिकट ना आपको वहाँ से ख़रीदनी पड़ेंगी। डिपार्टमेंट स्टोर कहाँ है यार, ढूंढना पड़ेगा यार। अब हमने ले लिया है, ये है 2 यूरो 32 सेंट का, और अभी भी मतलब ये इसमें लिखते हैं अपनी करेंसी में, तो 2 यूरो का ठीक है भाई, इंडिया में तो 50-40 रुपये का मिल जाता, पर अब क्या ही कर सकते हैं, भूल गया मैं इंडिया से लाना, तो ले लिया हमने। बस जाके ताला लगाते हैं अपने पे, तो ये लिफ्ट है तो, और फिर घूमते हैं भाई। तो अब चलते हैं इस प्यारे से शहर को देखने यार, ये सड़क कितनी सही लग रही है यार, मज़ा ही आ गया। तो पहले मैं जा रहा हूँ KFC ट्रैम में बैठ के, तो ट्रैम से भी थोड़े नज़ारे दिखा दूंगा आपको। और KFC इसलिए क्योंकि भाई अभी यहाँ के जो लोकल रेस्टोरेंट है वो खुलते हैं 11 बजे के करीब, 10-11, मतलब सारी मेजर सिटीज़ की तरह कुछ कुछ खुले होंगे। अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि कल भी मैंने एक ही बर्गर वो खाया, तो अब KFC भी जाके पेट भर के खाना खाएंगे। और ट्रैम की टिकट भी उससे लेनी है, पास्क पता नहीं क्या था वो, तो चलो पहले टिकट लेते हैं ट्रैम में चलते हैं। यार मस्त है यार, मज़ा आ गया। की गवर्नमेंट ने पता है क्या कर रखा है कि आप 14 जनवरी तक जो इनकी पहले की करेंसी थी कूना, वो आप यूज़ कर सकते हो, वो आप सिक्के नोट कोई भी यूज़ करो, सब एक्सेप्ट करेंगे, आप पे कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। 14 जनवरी के बाद आप 2025 के एंड तक कुछ कुछ बैंक्स हैं, इनके नेशनल बैंक्स हैं, वहाँ पे आप सिक्के एक्सचेंज कर सकते हो 2025 के एंड तक, मतलब कूना से यूरो में एक्सचेंज कर सकते हो। और ज़िंदगी भर के लिए, मतलब लाइफ टाइम के लिए, आप कूना के जो नोट हैं उनको यूरो के नोट पे कन्वर्ट कर सकते हो ज़िंदगी भर के लिए, बिना किसी चार्ज के फिक्स रेट पे, 1 यूरो = 7.5 कूना पे, ये मतलब इनका एक्सचेंज रेट पहले से फिक्स था, तो ये इन्होंने किया है। खैर ये हमारे डीमोनेटाइजेशन से अलग था, क्योंकि इन्होंने सब प्लानिंग करी थी कि हम यूरो जोन ज्वाइन करेंगे और हम शेंगेन ज्वाइन करेंगे, तो सब लोगों को पता ही था पहले से। तो अभी थोड़ा ना प्राइसेस में ऐसा हो रखा है कि जैसे मैं ताला लेने गया, ये ताला पड़ा 2 यूरो 32 सेंट का, तो भाई सिक्के सिक्के हो गए अब, तो इनकी थोड़ी भी करेंसी मतलब एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, सब चीज़ें यूरो में आने में, तो दो दो रेट लिखे हैं, अब कूना भी लिखा है यूरो भी लिखा है। तो अभी चलते हैं मैकडी और खाना खाते हैं पहले वहाँ से, तिसक है, तिसक TISAK, यहाँ से मतलब एक मैगजीन स्टोर सा है, यहाँ से चाय कॉफ़ी पानी बिस्किट ले सकते हो और ट्रैम के टिकट्स। ये टिकट लिया मैंने, ये पड़ी है 4 कूना या फिर 53 यूरो सेंट्स, मतलब 53 पैसे यूरो के, जो कि बनते हैं कुछ आज की तारीख में 45 रुपए के करीब। तो ये है 30 मिनट तक वैलिड, आप 30 मिनट तक बस ट्रैम कुछ भी ले सकते हो,
और या फिर 4 किलोमीटर भी लिखा है तो मतलब शायद 30 मिनट में 4 ही किलोमीटर जा पाते होंगे ये। तो अभी उस तरफ से लेनी है, और वैसे पूरे दिन का पास भी ले सकते हो आप, वो पड़ेगा 30 कूना का, जो कि 24 घंटे तक वैलिड है। पर मेरी फ़्लाइट थी कल दोपहर में 1:30 बजे, वरना मैं 24 घंटे वाले ले लेता, वरना बार बार लाइन में लगना पड़ता है यहाँ पे तिसक में। 5-10 मिनट तो लाइन में ही लगने में हो गए, ऐसे वो घंटी बजा रहा है, मैं तो बहुत दूर खड़ा हूँ। चलो बैठ के चलते, 6 और 11 नंबर, 15-1 मिनट में मेरे को पहुँचा देगी KFC। तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है ये, मतलब हाँ अब सही है। तो 6 नंबर आएगी 7 मिनट में, और 11 आएगी 1 मिनट में, देखते हैं किस में बैठते हैं। अरे वो खड़ी शायद, पर रुकती शायद सारी यहीं पे, पता नहीं क्या सिस्टम है। चलो बैठते हैं। तो इनकी ट्रैम का ना थोड़ा सिस्टम भी अलग है कि आपको, मतलब काफ़ी सारी ट्रैम्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी में है कि आपको टिकट अंदर जाके वैलिडेट करानी पड़ेगी। और मैं बता दूं, अगर आप ड्राइवर से सेम टिकट खरीदते हो ना तो ये 80 सेंट की पड़ेगी आपको, 80 यूरो सेंट, मतलब लगभग 1.5 गुना महंगी मशीन होती है। भाई मैं ढूंढ रहा इसमें कहाँ डालनी है टिकट, तो यहाँ डालनी है इसे, कुछ कुछ लिख दिया इस पर, टाइम वाइम लिख दिया। भाइयों का ना फ़ोन आ गया था, जो अपने सब्सक्राइबर अपनी फैमिली से जो जागरब में रहते हैं काम करते हैं, उनका भी मैसेज आया, मैंने ट्रैम में बैठे बैठे रिप्लाई कर दिया। तो कहते हैं हमारी जॉब है, एक की जॉब है एक की नहीं है, तो वो मिलने आएंगे सिटी सेंटर भी 1 घंटे में। तो KFC आ गया सामने, बस खा पी के अपने चलते हैं। अगर तो कहाँ से एंट्रेंस, यहाँ पर सुपर मार्केट आ गई, देखते कितना क्या महंगा है। क्या मैंने KFC में एक कुरीतो इनका कुछ है, सही लग रहा था मेरे को, मतलब अलग था तो ले लिया। सॉस के अलग से पैसे दिए भाई, फ्राइज़ और ये, और टोटल बिल है 6 यूरो 77 सेंट्स। तो अभी देखते हैं, और देशों में कंपेयर करना पड़ेगा। अभी तो मेरे को यहाँ के यूरोप के हिसाब से सस्ता लग रहा है। तो भाई मैंने बताया था ना दो भाई मिलेंगे, तो आपका नाम बता, अभिनव और आपका जतिन। जतिन भाई वीडियो में नहीं आना चाहते, चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे मेन स्क्वायर में बैठे हैं और हॉट चॉकलेट पी रहे हैं। यहाँ पे 3 हॉट चॉकलेट का, ये पानी का अलग से है क्या बिल? नो। हाँ ये पानी का अलग से है, ये क्या है? 3 पानी टेक्सिस, अच्छा सलाद क्या होता है टेक्सिस? नहीं, चलो छोड़ो कोई नहीं। 3 हॉट चॉकलेट का आया बिल 11 यूरो, और इनकी हॉट चॉकलेट मतलब वो थी दूध वाली नहीं थी, ये सिर्फ चॉकलेट ही पिघला के दे दी थी, कहना पड़ता होगा यहाँ पे कि दूध वाली दो। तो ये है भाई जागरेब का मेन चर्च, इसका नाम ही मतलब जागरेब कैथीड्रल है, और सिटी सेंटर के पास ही है। चलो अभी ओपन है तो अंदर भी चलते हैं। थोड़ा थोड़ा वो लग रहा है ये जो उसमें था बार्सिलोना में जो चर्च था, ऐसे चोंच से निकली हुई है इसकी भी, ऐसा है कुछ भी। इनके यारे मस्त लगते हैं, इंडिया में तो कोई कलर कराएगा ही नहीं ऐसा हरा। ये अपना एक रेस्टोरेंट है रॉयल इंडिया। तो भाई अभिनव भाई घुमा रहे हैं आज हमको जागरेब, खैर हैं तो जतिन भाई भी साथ में, वो थोड़े शाये हैं कैमरा से तो आ नहीं रहे वो। तो यहाँ पे ये पूरी रेस्टोरेंट की लाइन है, और यहाँ कलर देखो आप, मैं यही कह रहा था जैसे इसका हरा रंग हो गया, उसका येल्लो है, उसका ब्लू है। यूरोप में ना मतलब रंगीन कलर करा लेते हैं लोग, इंडिया में मैं कभी नहीं सोचूंगा अपने घर पर ये हरा रंग करा दूँ। ये है इंडियन रेस्टोरेंट, एक तो यहाँ पे ही है, तो 2-4 और है शायद, यह वाला महंगा होगा थोड़ा क्योंकि ये मेन पे है इसलिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो अभी हम कहाँ कहाँ जाएंगे? अभी आप सबसे पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट देखेंगे, और हर तरह के रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम एक अपर टाउन एरिया है, फिर आप वहाँ पे देखेंगे कि दो में डिवाइडेड है। हाँ जी, दो में डिवाइडेड है, थोड़ा सा नीचे वाला मॉडर्न कहते हैं ये, लोअर वाला और अपर टाउन जो बोलते हैं वो पुराना फोर्ट एरिया और कैथीड्रल बना हुआ वहाँ पे। तो मतलब एक छोटा सा जागरेब का पूरे दिन में टूर दिखाते हैं आपको, और अपर टाउन मतलब लोअर और अपर, मतलब थोड़ा लोअर और वो थोड़ा अपर है, तो वहाँ से जाके पूरा व्यू मिलेगा। बिल्कुल,
तो वो भी देखते हैं, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा, आप सब देखना। यार काफ़ी सुंदर लग रहा है ज़ाग्रेब मेरे को ना, थोड़ा कलरफुल है। बॉस्निया इतना कलरफुल नहीं था जितना मैंने देखा, बॉस्निया इतना कलरफुल नहीं था, ज़ाग्रेब काफ़ी कलरफुल लग रहा है। ये भाई अभी हम अपर टाउन जा रहे हैं, तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के अभी और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है भाई अभी। ये है इनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और काफ़ी सारे मीडिया वाले भी खड़े हैं आज। आज होगा कोई मेन फंक्शन, इंडिया में तो ऐसे कभी रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते, और मैं गार्ड की कर रहा हूँ तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं अभी बता रहा था इन्होंने करेंसी चेंज करी है ना अपनी, तो उसमें क्या हुआ कि आज मैं सुबह ताला भी खरीदने गया, तो उन्होंने 10 यूरो दिया मैंने नोट, उन्होंने 7.5 यूरो के सिक्के दे दिए मेरे को, और वो सिक्के बज रहे हैं जेब में। KFC में गया, उसने मेरे को सिक्के दे दिए, और अभी हमने हॉट चॉकलेट की पेमेंट करी, 20 यूरो का नोट दिया और पेमेंट थी 10.74 यूरो, उसने पूरा हाथ भर के सिक्के, क्योंकि अभी नोट आए नहीं है यहाँ पे, नोट का अभी सर्कुलेशन बढ़ा नहीं है, तो ये चेंज पे ज्यादा डिपेंडेंट है अभी भी, चल सिक्कों पे, तो आजकल सबकी जेबें बहुत ज्यादा खनक रही है। तो पैसा बहुत है अभिनव भाई और जतिन भाई के पास। सही बात है। तो भाई यहाँ पे ये देखो मेरे पीछे भी सिक्योरिटी जो खड़ी है, ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है। जब हमारे वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी रहती है, 10-12 गाड़ियाँ एक घंटे पहले रोड बंद कर देंगे मेन वाली, और अगर मतलब जो प्राइम मिनिस्टर घर के आसपास की तो रोड मेरे को लग रहा है बंद ही रहती होगी, मैं तो गया नहीं आज तक 7 RCR। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे अभिनव भाई, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बहुत ओपनली घूमते हैं, लोगों के साथ में बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और नॉर्मल बिल्कुल लाइफ रहती है, कोई ऐसा लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि कोई VIP कल्चर है यहाँ पे, लोग जैसे आम जनता की तरह रहते हैं नीचे, और बता रहे कॉफी हाँ, और वो रोज सुबह जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो एक जगह कॉफी पीने जाता है, और नॉर्मली रहता है, सिर्फ एक या दो लोग होते हैं उसके साथ में, आराम से जाता है और नॉर्मल लोगों से मिल के जैसे आम लोग हैं वैसे निकल जाते हैं। तो ये तो हमने फोटोज वगैरह देखी हैं कई बार, जो यूरोपियन कई सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वगैरह की, ये साइकिल पे घूम रहा है, पैदल चल रहा है, तो देखो सिक्योरिटी का इतना यहाँ पे वो तो नहीं है प्रॉब्लम, पर ठीक है कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी तो हर जगह जरूरी है ही। मेरे को लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट होगा जो बिना सिक्योरिटी के घूमता होगा, पर हाँ इंडिया में थोड़ी सिक्योरिटी की टेंशन है, तो वो हर देश अपने हिसाब से चलता है। तो अभी आ गए हम अपर टाउन में, अभी जा रहे हैं हम स्टोन, कहाँ स्टोन एज चर्च है, हाँ अब हम जा रहे हैं स्टोन एज चर्च, जो यहाँ का फेमस चर्च है, जो आपको हर पोस्ट कार्ड पे और हर मैग्नेट पे देखने को मिलेगा, तो आपको हो सकता है आप भी देखेंगे चौधरी साहब के थ्रू कैसे यहाँ पे चल रहा है हमारे यात्री भाई, आपको बताएंगे। ठीक है, आज आपका छुट्टी है जी, आज छुट्टी है, तो आज हम आपके साथ में मौका मिल रहा है घूमने। अरे बढ़िया, मैं भी आज के लिए आया था बस, बैक साइड में। तो ये आ गया भाई वो चर्च, और ये दो सिंबल आपको पता है किस चीज के हैं? ये इनके फ्लैग है ज़ाग्रेब के। अच्छा, ज़ाग्रेब के दो फ्लैग इनके हिस्टोरिकली ये यूज करते हैं। हाँ हाँ, इनके सिग्निफिकेंस विकिपीडिया में देखने पड़ेंगे बस। हाँ, इतना पता नहीं है, तो आज तो यार इसके अंदर जा नहीं सकते, दूसरे वाला चर्च भी बंद था। हम चल के आए हैं, और ये देखो कितना छोटा सा चर्च है भाई, दो जनों की बैठने की जगह है, और ये चर्च है, और वहाँ पे कैंडल्स वगैरह जो ये जलाते हैं, तो काफ़ी सही है, मतलब ये जाने का रास्ता है और बीच में से बस एक चर्च, तो ये मैंने पहली बार देखा है भाई। भाई ना मैंने सुना है ज़ाग्रेब में बहुत अजीब अजीब तरह की म्यूजियम्स हैं, जैसे एक आ गया म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पे लोग जब अपना रिश्ता ख़त्म करते हैं या उनका रिश्ता टूटने की कगार पर होता है, तो वो कुछ भी सोविनियर जो होता है या आखिरी निशानी होती है अपने पार्टनर की, वो यहाँ पे आपको मिलेगी कलेक्शन में। हाँ। तो यहाँ पे आप अजीब अजीब तरह के, आप गए हो? मैं गया नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स गए, अभी तक मैं भी नहीं गया हूँ, बट मेरे को बताया ये गया है कि बहुत सारी अजीब चीज़ें हैं, तो किसी ने लेटर लिख के छोड़ा है लास्ट में, किसी ने अपना कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जो आप यहाँ देखोगे तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस में मज़ा आएगा। तो मैंने आपको दिखा दिया ये म्यूजियम, अगर किसी को जाना है तो जा सकते हो यार, देखो मेरे को इतना इंटरेस्ट है नहीं पर्सनली, 10-15 यूरो की टिकट होगी, तो आप टिकट ही पता ही कर लेना, मैंने टिकट ही पता ही नहीं करी, मैं जाता हूँ कहती 5 यूरो की है, मैं 5 यूरो भी ना देता इस चीज़ के लिए, तो फालतू में बेइज्जती करा के आनी पड़ती, उसको भी लगता है क्या पूछ के चला गया बस। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट देखना है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, और पीछे है कैथीड्रल, ये देखो कितना सही लग रहा है भाई, और यहाँ पे कैफे सा है बैठ के अंदर, यहाँ कैफे का अब सही ट्रेंड है यार, मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेंड कभी इंडिया में भी आए। सही
पर ये मेरे को नहीं लगता क्योंकि इंडिया में मौसम ही ऐसा रहता है, या तो बिल्कुल ही भयंकर वाली ठंड हो जाएगी दिल्ली में जैसे, मतलब मेरे को घर में बहुत ठंड लगती है दिल्ली में, क्योंकि इंडिया में ना क्या हीटर नहीं है, जैसे हीटेड रूम्स है ना यहाँ पे, पानी वाले हीटर होते हैं, तो इंडिया में या तो भाई आपको ब्लोअर चलाना पड़ेगा जिससे दम घुटता है, इनके हीटर ऐसे हैं जिसका दम नहीं घुटता, पूरी रात चलाओ टी-शर्ट्स में रहो आप इंडोर, हाँ और बाहर आके बस अपने जैकेट्स और सब आउटडोर विंटर वेयर पहनो और या तो इंडिया में गर्मी इतनी हो जाएगी कि भाई आप बिना एसी के रह नहीं सकते। तो यहाँ से मैं आपको व्यू पॉइंट दिखाता हूँ, यहाँ लेके आए थे कि वर्ल्ड वॉर टू की टनल है, पर ये अभी लिखा है कि 12 तारीख तक ना बंद कर रखी है, और ये ऐसी टनल है और ये निकलते सीधा वहाँ पे जहाँ पे रेस्टोरेंट वाली गलियाँ थी, ये होगी भाई देखने में तो बहुत ही लंबी लग रही है, 1 किलोमीटर की तो लगी रही है मेरे को, तो अगर आप आओ तो यहाँ आ सकते हो और देख लेना अगर खुली हो तो आपके टाइम पे, मेरे टाइम पे तो काफ़ी कुछ बंद हो गया है। ये मेन स्ट्रीट है और इससे आप यहाँ पे 1 यूरो की ट्रैम चलती है, 1 या 2 यूरो की, इसको आप लेके अपर टाउन जा सकते हैं, वहाँ से थोड़ा व्यू वगैरह लेके और वापस भी आ सकते हैं, या फिर आप सीढ़ियाँ भी मिल जाएंगी काफ़ी सारी जगह, वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी, अगर आप स्ट्रीट पे हो तो फिर इससे भी जा सकते हो। पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, सारा ही वो में तो बस एक ही था, ये नमस्ते बिस्तरो करके रेस्टोरेंट है, ये काफ़ी अच्छा बता रहे हो ना अभिनव भाई। बिल्कुल, नमस्ते का कंपैरेटिवली बाकी रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा है, हाँ और आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ इंडियन फूड भी यहाँ पे अच्छा है, मतलब यहाँ पे तो खैर ये चाय है 2.70 यूरो की, मेरे को क्रोएशिया के हिसाब से थोड़ी महंगी लगी, पर चलो ठीक है, यहाँ बिल्कुल मेन स्ट्रीट पे ही है रेस्टोरेंट, ये सर्च करोगे क्या नाम है ये रहा नमस्ते बिस्तरो। भाई चाय के साथ पकौड़े जतिन भाई मान ही नहीं रहे थे तो मंगाने पड़े पकौड़े हैं भाई 4.5 यूरो के, यार ये देखो महंगा तो है पर ये बता रहे रेस्टोरेंट अच्छा, देखने में भी अच्छा ही लग रहा है मेरे को, पर स्विट्जरलैंड वाले रेट तो खैर नहीं है, यहाँ पे बटर चिकन 10 यूरो का है, मैंने 26 यूरो का खाया था स्विट्जरलैंड में, बारिश भी शुरू हो गई, भगवान भी कह रहा है भाई 3 इंडियन खा रहे हैं यहाँ पे पकौड़े तो बारिश करा ही देते हैं सही बात है ना भाई। ये ट्रैम्स में ना आपको कहीं पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, मतलब पूरे लाइन में कहीं पे भी, मतलब पूरी लाइन पूरी पूरी रोड है 2 किलोमीटर की, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, ये आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग ढूंढते मत रहे ना, जैसे अभिनव भाई ढूंढते रहते थे जब पहली बार आए थे, क्या करते थे जब पहली बार आया तो हम पहले ज़ेब्रा क्रॉसिंग ढूंढते थे कि कहाँ से रोड क्रॉस करें, ऐसा ना लगे कि हम अपने इंडियंस हैं तो थोड़ा सा कहीं भी कहीं से भी निकल जाए, हाँ। तो हम थोड़ा हमेशा ढूंढते थे, बट अब धीरे धीरे हमें पता चल गया कि ये तो कर ही सकते हैं क्रॉस, हाँ, ये तो और अगर मतलब जैसे वो देखो लेडी कैसे निकल गई एकदम से ही, ऐसे भी निकल सकते हो अगर जल्दी में हो तो, पर वो ट्रैम वाले घंटी भी मार देते हैं कि भाई हट जाओ, अरे यहाँ पे मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है यार ट्रैम की, मैंने देखी बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी लगी मेरे को यहाँ पे ट्रैम की, दिन में आपको 5-5 मिनट में आपको आती रहती है, हाँ रात को 12 बजे के बाद आधा आधे घंटे की हो जाती है, बट फिर भी मिल जाएगी आपको रात को भी, अगर आप कभी फंसोगे नहीं भी हो तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा। मेन ट्रेन स्टेशन, हालांकि बोस्निया से यहाँ तक की ट्रेन आती नहीं है, पर क्रोएशिया से पूरी आपको यूरोप की कनेक्टिविटी आराम से मिल जाएगी, वियना जाएगी ट्रेन, बुदापेस्ट वगैरह सारी ट्रेन्स यहाँ से चलती है, जो कि आपके यूरोरल पास में भी इंक्लूड होगी अगर आपके पास है तो, और यार मस्त है यार ये भी, ये थोड़ा मतलब मेन सिटी सेंटर से होगा, हम 1 किलोमीटर चल के आए होंगे, एक और घोड़ा सेम जैसा सिटी सेंटर पे था यहाँ पे भी घोड़ा, अरे मैंने बहुत देखे यार, मतलब घोड़े के स्टैचू बहुत है दुनिया में, दो तो यहीं देखी है और बहुत देखे होंगे मैंने, तो काफ़ी सही है यार, मतलब अच्छा लग रहा है ये भी स्टेशन में, मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है ये, पर ये रेलवे स्टेशन है।
तो भाई ये है क्रोएशिया की ट्रेन, ये है इनका ट्रेन का साइन। तो मेरे हिसाब से यूरोरेल पास में होगी इंक्लूडेड ये क्रोएशिया की ट्रेन। तो मैं तो बस यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने आया हूँ। और अभिनव भाई बता रहे हैं यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करना फ्री है सब जगह। क्या ये मशीन फॉर द टिकट, वॉशरूम यूज़ करना सब जगह फ्री है यहाँ? हाँ जी बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, आपको यूरो देने की जरूरत नहीं है, कूना देने की जरूरत है, कूना की भी जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी आप फ्री है। अब बाकी देखते हैं शेंजन में आने के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं, इनको भी आदत पड़ जाएगी टॉयलेट के पैसे चार्ज करने की, ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने शायद कहीं और नोटिस ना करी हो, यहाँ पे ये जूस की बोतल है ठीक है, इसके यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ लिखा है 50 LP, जो इनकी करेंसी थी पहले लिपा। तो मतलब अगर आप इस बोतल को, मतलब एक रिसाइकलिंग बिन होता है, मैं दिखाऊंगा आपको जाते वक्त, अगर इस बोतल को आप उसमें डालते हो तो फिर आपको 50 LP कैश मिल जाएगा वापस। तो इसके बारे में भी थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो भाई ये देखो कोक पे भी है 50 LP यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटी बड़ी कैसी भी बोतल हो मैक्सिमम 50 है, इससे कम भी लिखा होता है किसी पे? नहीं सब पे लिखा है, अभी थोड़े दिनों में इसको यूरोप में चेंज कर देंगे शायद। भाई एल्यूमिनियम वाली कैंस है, इस पे भी 50 LP है, तो एक तरह से आप मान लो कि यार आप 20 बोतल अगर दोगे ना तो आपको 90 रुपए कहीं जाके मिलेंगे। भाई 14 जनवरी तक तो ये यूरो में भी लिखेंगे और कूना में भी, पता नहीं उसके बाद भी यार एकदम से चेंज तो नहीं होगा। ये इनकी बियर की बोतल है भाई 2 लीटर की, और ये है प्राइस 2.65 यूरो। देख लो सस्ता तो है खैर यहाँ पे। लोगों को लगता है फिल्मों में शैम्पू वो बोतल खोल दी क्या, झाग पूरी बोतल वेस्ट कर दी, बड़ा अमीरों वाला खेल है भाई 1.5 यूरो की मिलती है पूरी बोतल, खूब बोतल 100 बोतल उड़ा दो लोगों को लगेगा भाई पता नहीं क्या हो रहा है, तो कुछ अमीरों वाला खेल नहीं है, 1.5 यूरो में मिलती है यहाँ पे। मशीन है ठीक है, ये मैंने अभी बोतल खरीदी थी और अभी पी ली मैंने आपको दिखाने के लिए, तो शायद इसमें डालना होता होगा और वो ले गया 0.7 क्या ये सेंट्स होंगे। ओके ठीक है भाई दे दे मेरे सिक्के, इसका क्या करूँ मैं, आप काउंटर पे जाओगे? अबे यार चलो आ जाओ कोई नहीं, हमको नहीं जाना कई स्टोर्स में क्या होता है कि आपको ये पर्ची मिल जाएगी और आपको मतलब कूपन दे देंगे एक स्टोर का कि आप स्टोर से कुछ भी खरीद लो, पर एक कंज्यूम इनका काफ़ी बड़ा सुपरमार्केट है तो ये आपको कैश भी दे देते हैं। तो 7 सेंट मिले मेरे को यूरो सेंट एक बोतल वापस करने के, जो कि मतलब लगभग ये मान लो आज की तारीख में 6.5-7 रुपये बन जाते हैं। तो और ये बोतल थी कुछ 83 सेंट्स की, तो 7 सेंट तो वैसे ही कम हो गए, तो पी पा के यहीं दे सकते हो, पर आपको काउंटर तक जाना पड़ेगा 7 सेंट लेने। मैंने कहा छोड़ो यार अब क्या जाऊँ मैं क्या लेने। तो यहाँ पे कैसे लोग करते रहते हैं ये? हाँ जी यहाँ पे लोगों को रिसाइकल काफ़ी करते हैं और बहुत सारी पूरे महीने भर अपना बोतल इकट्ठे करते हैं ग्लास प्लास्टिक, और वो लेके आते हैं एक साथ और करीबन मतलब अपना अच्छा खासा सेविंग कर लेते हैं। हाँ तो सही है यार, ग्रॉसरी में वो उनको हेल्प करता है कहीं ना कहीं। ये सही मशीन थी और यार मतलब काफी मॉडर्न टाइप, मैंने पहली बार देखा है। फॉलो करते हैं रिसाइकल पॉलिसी को काफी अच्छी, तो मैं ये चीज ना और यूरोपियन देशों में जाके देखूंगा अगर वहाँ पे है या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो देखो हर बोतल पे लिखा हुआ था। तो भाई शाम के हो गए 7, मतलब यहाँ पे तो रात ही हो गई खैर अगर मैं आपको बाहर दिखाऊँ तो, और थोड़ी बारिश भी हो रही है तो हमने सोचा भाई जल्दी खा के जल्दी सो जाते हैं। तो ये मिला मंगाइए चिकन बिरयानी जिसके साथ पापड़ और दही फ्री है, और ये है कितने की चिकन ये रही चिकन बिरयानी 90 कूना, मतलब 10-12 यूरो की हो गई। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है यार यूरोप के हिसाब से 10-12 यूरो, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है ये, वही है जिसमें सुबह चाय पी थी ना हमने नमस्ते बिस्तरो। अब मैं आपको बाहर थोड़ा रात का नज़ारा भी दिखा दूँगा कैसा सर लगता है। तो भाई इसी एरिया से मैं कल पास हुआ था और अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो भाई आज तो मेरे साथ पूरे दिन थे जतिन भाई, और जतिन भाई और अभिनव भाई, जतिन भाई अपने जॉब पे चले गए थे तो अभिनव भाई थे पूरे दिन साथ में। और अब हो गई है बारिश, रात के बज रहे हैं अभी 7, मतलब रात ही कहेंगे यार यहाँ पे, तो शाम कहेंगे पर रात हुए 2 घंटे हो चुके हैं इजीली। तो सर्दियों में ही है यार अगर आप आओगे तो जल्दी रात हो जाएगी, थोड़ा डे लाइट कम मिलेगी आपको, पर यहाँ पर सब कुछ सस्ता मिलेगा तो जल्दी उठ सकते हो,
8-9 बजे चलना शुरू कर सकते हो और फिर आराम से 7 घंटे बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, थक भी जाओगे। तो बस अब चलते हैं अपने हॉस्टल। और मतलब जैसे इन्होंने मैसेज किया है भाई, कोई भी मतलब ऐसे मैसेज करते हुए मैं कहीं पे आऊँ तो शर्माया मत करो, मेरे को भी मज़ा आता है। क्यों सही कह रहा हूँ ना अभी ना भाई? अगर ये मैसेज नहीं किया होता तो शायद हम मिल भी नहीं पाते। तो यहाँ पे खाली चिकन बिरयानी थोड़ी सी बची थी, मैंने वो पैक भी करा ली कि सुबह उठ के थोड़ी सी खा लूँगा जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी निकलूँगा मैं एयरपोर्ट के लिए, थोड़ा मैं जल्दी निकलता हूँ तो क्या पता क्या हो जाए। तो बस अपना आ गया हॉस्टल, बिल्कुल चिल आउट हॉस्टल नाम है और बिल्कुल मतलब रोड पे ही है, सही रेट मिले तो आप बुक भी कर सकते हो। तो ये पहुँच गया हॉस्टल, थोड़ा वेट करते हैं, इनके दोस्त आ रहे हैं, मैं जाऊँगा बस सोने और ये अपने फ्रेंड से मिलने जाएंगे। तो इस वीडियो को रखते यहीं तक, हम मिलेंगे आपको कल एक दूसरे देश में।